हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई ट्रिपल सी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ट्रेनिंग वीडियो सीरीज़ के सातवें वीडियो में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंतरा जैन एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन व्यूज एंड स्लाइड मास्टर। प्रेजेंटेशन व्यूज और स्लाइड मास्टर दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमें प्रेजेंटेशन को एडिट करने में। कम टाइम में प्रेजेंटेशन को हम एडिट कैसे कर सकते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट वीडियोस में हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था मैंने उसी को ले लिया है और इसमें बस मैंने क्या किया है पूरा सेम ही है जो था वही है। बस मैंने इसमें डिज़ाइन ऐड कर दिया है ये वाला ये ऑर्गेनिक करके जो डिज़ाइन है मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन व्यू से। प्रेजेंटेशन व्यू को देखने के लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है टैब है जो व्यू टैब में जाना पड़ेगा और ये व्यू टैब के सबसे पहले ग्रुप का नाम होता है प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब होता है जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो किस व्यू में है। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं हमारे पास। नॉर्मल व्यू है जो हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें हमारी स्लाइड दिखती है और साइड में हमारे स्लाइड्स के सारी स्लाइड्स दिखती हैं स्क्रॉलिंग के साथ। सेकंड हमारा जो होता है वो होता है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है जो हमारी स्लाइड पर्टिकुलर स्लाइड ओपन है उसमें वो क्या क्या टेक्स्ट हमने इंक्लूड किया है वो सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है। तो जैसे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन नेम एंड बाय नेम। तो जैसे आप कभी किसी को स्लाइड प्रिंट आउट करके देना चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ कंटेंट देना चाहते हैं आप अपना एनिमेशन अपना डिज़ाइन अपना थीम नहीं देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन का यूज़ कर सकते हैं और आउटलाइन को आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो ये कैसे करा सकते हैं ये हम अपने एडवांस लेवल में जब जाएंगे तब देखेंगे। अभी समझ लेते हैं कि आउटलाइन व्यू क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको ये हर स्लाइड में जो भी कंटेंट हमारा होगा जैसे कि ये बास्केटबॉल मैच स्लाइड है मतलब जो हेडिंग है हमारी वो एज अ हेडिंग यहाँ पे दिखाएगा और बाकी जो हमारा कंटेंट होगा वो ऐसे इस तरह से कंटेंट टेक्स्ट के तौर पे ये दिखाएगा। जैसे हमारा स्लाइड्स आती थी साइड में स्क्रॉलिंग के साथ वैसे ही हमारे हर स्लाइड के टेक्स्ट आ रहे हैं तो इसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू एक तरह से सॉर्टिंग कर देता है हमारे सारी स्लाइड्स को एक ही बार में हम देख सकते हैं तो ये इस तरह से हर स्लाइड को एक बार में एक ही पैनल में दिखाता है और हम यहाँ से डायरेक्ट हमें जिस स्लाइड पे जाना है हम उस स्लाइड पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू वो होता है जिसमें हम स्लाइड से रिलेटेड कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ स्लाइड कुछ भी मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया है तो ये इससे रिलेटेड हमारा हो जाता है। और अगर हमें इसे देखना है कि ये कहाँ शो होता है तो अगर हम नॉर्मल व्यू में आएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है नोट्स जब आप इसे हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने टाइप किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो आप अगर नोट्स पेज व्यू में जाके करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसको हिट करिए और यहाँ पे आ गया है क्लिक टू ऐड नोट्स। आप इस इमेज से रिलेटेड नोट्स लिख सकते हैं जो आपको मन हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको मन हो और आप अगर जब इसको पढ़ना चाहें तो आप नोट पेज व्यू में जा सकते हैं और इसको जूम आउट कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू सेम जो हमने अभी स्लाइड शो टैब में स्लाइड सेटअप शो में एक ऑप्शन देखा था जिसमें हमारा विंडो ऑप्शन था जो विंडो ऑप्शन के साथ हमारी स्लाइड चलती थी उसी की तरह होता है कुछ। ये हमारे टाइटल बार स्टेटस बार के साथ हमारी प्रेजेंटेशन को चलाता है। तो इतना ही होता है प्रेजेंटेशन व्यू में। चलिए हम इसको नॉर्मल व्यू कर देते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू भी कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्लाइड मास्टर हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो स्लाइड मास्टर जो होता है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई ऐसा चेंज करना है जो हमें अपने
थ्रू आउट पूरे प्रेजेंटेशन में करना है। हमें पूरे प्रेजेंटेशन की डिज़ाइन चेंज करनी है, या कह सकते हैं हम पूरे प्रेजेंटेशन में किस एक लोगो हमारा रह गया था जो हम अगर एक एक स्लाइड में डालेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और हमारी पोजिशन भी चेंज हो सकती है। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजिशन, एक पर्टिकुलर साइज़ में वो लोगो आए और हर स्लाइड पर आए, तो उस चीज़ के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं इस प्रेजेंट व्यू के साइड में एक ग्रुप आ रहा है मास्टर व्यू, जिसमें पहला ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। इसको आप जब हिट करेंगे तो ये एक नया टैब ओपन कर देगा स्लाइड मास्टर। इसने कुछ हमारा लेआउट्स में कुछ एडिटिंग कर दी है, जिसको देख के आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं इसने एक आपको एक मास्टर स्लाइड बनाकर दिया है, जिसमें आपकी यूज़ करी हुई हर चीज़ इसमें इसने मेंशन कर दी है। तो आप जहाँ से जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे या चेंज करेंगे, वो आपके थ्रू आउट पूरे प्रेजेंटेशन में चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास दो प्लेस होल्डर्स हैं, ये है टाइटल प्लेस होल्डर और ये है हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो टाइटल का फॉन्ट है वो जो है वो ना रहे जो हमारा ऑलरेडी है, हम चाहते हैं ये चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करिए, होम पर जाइए और यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ। तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशन में जितनी भी हेडिंग प्लेस होल्डर्स थे, जितने भी हेडिंग टेक्स्ट थे, उनकी राइटिंग अब ये हो गई है। चेक करने के लिए आप वापस व्यू में जाकर इसको नॉर्मल व्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमारे हेडिंग कंटेंट थे वो इसने अपनी चेंज कर दिए हैं उसी राइटिंग में। वापस हम आते हैं, स्लाइड मास्टर ओपन करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम बिल्कुल सेम अपना कंटेंट के लिए भी कर सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी चेंजेस करेंगे मास्टर स्लाइड व्यू जो उसने आपने आपको बना कर दिया है उसी में करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी किसी पे भी चेंज करेंगे तो वो चेंज तो होगा, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर स्लाइड पे होगा, पूरी प्रेजेंटेशन में नहीं होगा। तो आपको अगर प्रेजेंटेशन में चेंज करना है तो आपको यहीं करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई आपको इमेज ऐड करनी है या लोगो ऐड करना है, तो पहले आप यहाँ आइए, उस स्लाइड पे आइए, मास्टर स्लाइड पे आइए और इंसर्ट में जाइए। अगर आपका लोगो एक पिक्चर है तो आप पिक्चर की तरह उसको ले सकते हैं। आप पिक्चर सेलेक्ट करिए, उसको एंटर करिए, उसको रिसाइज करिए जितना भी आपको चाहिए और उसको उस जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ पर आपको वो हर स्लाइड में शो करानी है। अब ये आपका हर स्लाइड पे शो होगा। चेक करने के लिए हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और हम देख सकते हैं, ये देखिए इस पर भी आ गया है, इस पर भी आ गया है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर पूरे प्रेजेंटेशन पे वो लोगो आ गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा ऑब्वियसली, कि हमारी जो ये फ्रंट स्लाइड है, जो मेन टाइटल स्लाइड है, इस पर क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, जो हमारी ये मेन हेडिंग वाली स्लाइड होती है, इसमें इसमें कुछ कंटेंट जो ग्राफिक्स होते हैं वो ऑन रह जाते हैं, बैकग्राउंड के कुछ ग्राफिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कंटेंट है वो नहीं शो होता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जिस पर्टिकुलर स्लाइड पर नहीं शो हो रहा है उस पर जाइए और ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इस पर ये शो होने लगा है, लेकिन इसने हमारा जो है बैकग्राउंड ग्राफिक थे वो थोड़े से बिगाड़ दिए हैं। बट कोई बात नहीं, ये भी बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोगो दिखे तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। बाकी हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड मास्टर व्यू में। तो हमने ये लोगो चेंज करके देख लिया, फॉन्ट चेंज करके देख लिया। ऐसे ही ऊपर इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, आप चेंज करके देख सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे तो ये सभी हमारे सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड इसने देखिए चेंज कर दिया इसी तरह से। और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, कलर हमारे सारे कलर फिर हर प्रेजेंटेशन की हर थीम पर ये चेंज कर देगा। एक ऑप्शन और होता है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो हम या तो ब्लैंक पेज पे अपना सेटअप कर लेते हैं, या जो इनबिल्ट लेआउट है उनके हिसाब से हम अपना सेटअप कर लेते हैं।
अगर हमें कुछ ऐसा मिले कि हम अपना खुद का लेआउट बनाएं और उसे सेव कर लें तो साउंड्स गुड ना? हाँ, ये ऑप्शन है, ये स्लाइड मास्टर के थ्रू से हम कर सकते हैं। हमें जिस स्लाइड के बाद अपना लेआउट या लेआउट स्लाइड हमें ऐड करना है, हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लेआउट, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक टाइटल के साथ एक लेआउट दे देगा। आप चाहे तो इस टाइटल को डिलीट कर दें, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे मैं इसको नीचे, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे कुछ और भी आए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे है एक ऑप्शन इंसर्ट प्लेस होल्डर। इंसर्ट प्लेस होल्डर में ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आपको किस तरह का प्लेस होल्डर ऐड करना है, कंटेंट जैसा, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, मीडिया या ऑनलाइन इमेज। हम नॉर्मली एक इमेज का देख लेते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में आप जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो यहाँ से आपको ये प्लस का साइन ऐसा मिलेगा, आपको ये क्लिक करके होल्ड करके रखना है, और जैसे भी आपको वो प्लेस होल्डर इमेज के लिए चाहिए आप उसको बना लीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से कोई भी आप एक इमेज लेकर इसको हिट कर दीजिए, और ये पूरे पेज पर आ गई है तो कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको अपने लेआउट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और ये हो गया डन। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ और अपनी आप अपनी हेडिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। मैं लिख देती हूँ माई बुक्स कलेक्शन, या आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो। और इसको आप बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको अपनी जो फ्रंट स्लाइड होती है उसकी तरह इसको यूज़ करो। और ये हमारा जो प्लेस होल्डर था ये हमारा तैयार हो गया है, और इस तरह से हम अपने अपने मनपसंद लेआउट्स को ऐड कर सकते हैं। और इसको वापस आएंगे जब हम, और जब हम लेआउट में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमने लेआउट बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप अब आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में जब भी इस तरह का लेआउट चाहते हैं तो आपको वो अपने लेआउट टैब में मिल जाएगा, और आप उसको क्लिक कर सकते हैं और वो लेआउट आपके सामने होगा। जैसे आप चाहते हैं ये वाले लेआउट में भी वैसा ही लेआउट आ जाए, तो आप इस तरह इसको क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इमेज वगैरह चेंज, हाँ ये एक बात है, जैसे आपने लेआउट जब आपने चूज़ किया था, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे परमानेंट इमेज वही रहे तो ही उस टाइम पे इमेज लगाइए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो इमेज रहे तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और एक प्लेस होल्डर जैसा वो दिखेगा, और आप उसमें इमेज अपनी हिसाब से जब आप बाद में यूज़ करेंगे तो आप लगा सकते हैं। तो ये होता है प्रेजेंटेशन व्यू और स्लाइड मास्टर व्यू, जो काफ़ी यूज़फुल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और पिंटरेस्ट पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।